हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे और कुछ बेहतर करने की सोच रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। मेरे दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसराइल का सेकेंड राउंड वालों का टिकट मेरे पास में आ चुका है 9 तारीख में और 13 तारीख में जो फ्लाइट जाने वाली है। तो मैं वीडियो के लास्ट में ये टिकट लगा दूंगा, आप लोग अपने अपने नाम देख लीजिएगा मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसराइल से कुछ अपडेट मेरे पास में आई हैं, जैसे कि वहाँ की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो चुकी हैं और हेल्पर की रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है, वो पूरी मैं आप लोगों को डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे पास में कमेंट आते हैं सबसे ज़्यादा कि हेल्पर की जॉब कब आ रही है, होटल की जॉब कब आ रही है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार ने जब इसका एग्रीमेंट किया था इसराइल की वैकेंसी के लिए, तो कंस्ट्रक्शन लाइन की वैकेंसी का एग्रीमेंट किया था सबसे ज़्यादा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन का जो एग्रीमेंट होता है वही एग्रीमेंट हुआ था भारत सरकार के द्वारा इसराइल सरकार से। ठीक है, हेल्पर का एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, इसलिए हेल्पर की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम आती है। और मेरे दोस्तों, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बहुत ही कम रिक्वायरमेंट हेल्पर की आने वाली है, ना के बराबर। ठीक है, जिसमें कि हेल्पर हो गया, होटल लाइन हो गया और हाउसकीपिंग का हो गया, ये सब जो है रिक्वायरमेंट नहीं आने वाली है, बहुत ही कम आने वाली है। जब भी आएंगी तो बहुत ही कम पैमाने में जो है हेल्पर की रिक्वायरमेंट आने वाली है मेरे दोस्तों। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हेल्पर के लिए बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ किसी और कंट्री में जब तक कि आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ की रिक्वायरमेंट अभी नहीं आएगी। और आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, रिक्वायरमेंट बहुत से मतलब अपनी जैसे डायनेमिक में हो गया, एशिया पावर में हो गया, तो बताते हैं कि नॉन मुस्लिम ही जा सकते हैं, मुस्लिम नहीं जा सकते। तो मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ भी वहाँ की अभी गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि मुस्लिम मुझे नहीं चाहिए, मुस्लिम तो वहाँ पहले से ही रह रहे हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, मुस्लिम भी जा सकते हैं, आने वाले कल में हो सकता है कि मुस्लिम की भी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, तो आप लोग जो है रेडी रहिएगा। मेरे दोस्तों, जो बदलाव वहाँ पे हुआ है वो है कि वर्क परमिट का। ठीक है, वर्क परमिट जो पहले 1 लाख वैकेंसियाँ थी, अभी 3 लाख वैकेंसियाँ जो है इसराइल की इंडिया के लिए आने वाली है कंस्ट्रक्शन लाइन की। ठीक है, और मेरे दोस्तों, नेक्स्ट मंथ से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू है वो हर जगह स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। NHDC में तो हो ही रहा है, लेकिन जो और एजेंसियाँ हैं उसमें भी होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसियों में होना इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इसराइल में भी जो ऑफिस हैं, एजेंसियाँ हैं, वो बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे एजेंसियाँ इसलिए बढ़ाई गई हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमें यहाँ पर वर्कर चाहिए कंस्ट्रक्शन लाइन के। तो मेरे दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाइए, नेक्स्ट मंथ से इंटरव्यू स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और आप 15,000 से ज़्यादा के लोग जो है इसराइल जा चुके हैं। ठीक है, और मेरे दोस्तों, अब काम स्टार्ट होना शुरू हो गया है। थोड़ा जो है आप लोगों को ही मालूम था कि इंडिया में इलेक्शन की वजह से जो है काम सब जगह थोड़ा सा डाउन हो गया था, तो अभी आप लोगों को 4 के बाद आप लोग खुद देख लीजिएगा कितनी तेज़ी से काम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा इसराइल का। मेरे दोस्तों, जिन जिन के पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट जो है रेडी कर लें। और मेरे दोस्तों, जो मुस्लिम भाई हमारे हैं उनको भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है वैकेंसियाँ मुस्लिम की भी आना शुरू हो जाए। ठीक है, मैं इसलिए कह दे रहा हूँ कि भाई मेरे पास में कमेंट बहुत सारे आते हैं कि भाई मुस्लिम भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो अभी तो कोई भी मुस्लिम अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो डिमांड आती है उस पर लिखा रहता है कि ओनली नॉन मुस्लिम कैंडिडेट अप्लाई। ठीक है, तो अभी तो मुस्लिम की कोई वो नहीं देख रहा हूँ मैं, जब भी आना शुरू होगी तो मैं आप लोगों को अपडेट बता दूंगा, आप लोग जो है उसमें अप्लाई कर सकते हो मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों, जो 9 तारीख में और जो 13 तारीख में फ़्लाइट जाने वाली हैं, उन सब के टिकट मैं लास्ट में लगा दे रहा हूँ, आप लोग उन सबको देख लीजिएगा।
मेरे चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, तभी आप लोगों को पूरी डिटेल समझ में आने वाली है। और कोई भी आप लोगों को अपडेट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं डेली के डेली एक वीडियो इसराइल से रिलेटेड बनाता रहता हूँ। जॉब से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है, वो जानकारी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी जानकारी अगर आप लोगों को सबसे पहले जाननी है या देखनी है या समझनी है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जॉब के साथ में, किसी अच्छी टॉपिक के साथ में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, मैं ये टिकट लगा दे रहा हूँ, आप लोग ये टिकट को देख लीजिए, अपना जिस जिसका भाई का नाम आया है वो जा करके अपना बुकिंग वगैरह करवा लें।